कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर इसका आगाज हुआ, यह अच्छी है। इसमें थोड़े बहुत तो भी रिलीजेस कर दीजिए ताकि बच्चों को कुछ फायदा हो सकता है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के बारे में भी कहूंगा कि थर्ड क्वार्टर बिल आर पेंडिंग, एवरी मंथ 5 करोड़ रिक्वायर्ड फॉर रिलीजिंग द ऑनरेरियम। मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि गवर्नर एड्रेस में जब मैंने जिक्र किया था इमाम और मौजूदों के उनकी तनख्वाह के ताल्लुक से, तो मिनिस्टर साहब ने फौरन रिलीज किया। इसके लिए मैं गवर्नमेंट का, मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ ही साथ ये भी जरूर कहूंगा कि एन अमाउंट ऑफ 54.90 करोड़ रिलीज टूवर्ड्स ऑनरेबल सीएम अश्योरेंस सर एंड अबाउट अनिसुल गुरवा सर। अगेन आई वुड से कि अनिसुल गुरवा की बिल्डिंग बन रही है, अच्छी बन रही है। मजलिस की नुमाइंदगी पर जमीन दी गई और मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरी भी दी गई और अनिसुल गुरवा की इमारत तैयार हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द अज जल्द अनिसुल गुरवा की इमारत की तामीर भी मुकम्मल हो जाएगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का, टीआरएस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी नुमाइंदगी पर इस्लामिक सेंटर के लिए भी जमीन अलॉट की गई। इस्लामिक सेंटर की जमीन बहुत ही कीमती जमीन है, गंडीपेट के पास जमीन दी गई 10 एकड़। अगर हम वो जमीन की कीमत ही अगर ले लेंगे तो वो 50 करोड़ से जायद की जमीन होती है। तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जल्द अज जल्द वो कल्चरल सेंटर का तामीर का भी आगाज होगा। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करूंगा और दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब का कि पुराने शहर का दौरा कीजिए। जामे निजामिया में ऑडिटोरियम कंप्लीट हो चुका, मजलिस की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपये से जामे निजामिया में एक बहुत ही खूबसूरत ऑडिटोरियम की तामीर हुई है। सर सर अबाउट द मक्का मस्जिद रेस्टोरेशन, सर स्टिल द मक्का मस्जिद रेस्टोरेशन वर्क इज पेंडिंग। आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू काइंडली लुक इनटू दैट एंड सी दैट द वर्क इज टेकन अप इमीडिएटली सर। और ये शाही मस्जिद यहां के जितने भी काम करने वाले हैं इनको रेगुलराइज करने के लिए मुसलसल हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये भी काम को देखेंगे और क्रिश्चियन भवन के लिए भी एक वेकेंट लैंड 2 एकड़ जमीन दी गई है। और इसके लिए भी मैं हुकूमत का, क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से भी शुक्रिया अदा करता हूं। सर सर ये बैंक लिंक सब्सिडी लोन, सर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। एज ऑफ नाउ मोर देन 2 लाख एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड। सो फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स फॉर दिस बैंकेबल स्कीम्स द एप्लीकेशन वेर नाइदर कॉल्ड नॉर एनी लोन वॉज रिलीज। तो अब हुकूमत ने दरखास्तें बुलाई हैं जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फंड्स को रिलीज किया है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि जितनी दरखास्तें आई हैं इन दरखास्तों को अगर हम सबको क्लियर करते हैं तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा अमाउंट होना पड़ेगा। कम अज कम आप 200 करोड़ रुपया अगर देंगे तो एटलीस्ट वी विल बी इन अ पोजिशन टू क्लियर सम मोर देन 30,000 अप्लीकेशन फॉर दिस लोनिंग स्कीम। सर ये गाड़ियां देते हैं टैक्सी, वो भी है वैसी रखी हुई है और स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। सर सर अर्लियर ऑल्सो सर आई हैड मेड अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट टू काइंडली हैव अ कोलैबोरेशन बिटवीन द माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन नैक एंड निफ्ट कैन हैव अ कोलैबोरेशन एंड अ नैक नेशनल अकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन दे हैव स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम। सर वन सेंटर इज देयर इन ओल्ड सिटी, नैक का एक सेंटर है सर चंद्रायन गुट्टे में मेरे एरिए में। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन कैन टेक ओवर दैट सेंटर।